दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों 2020 में क्या वाकई में 3,65,000 यानी 3,65,000 लोगों ने फाइल सबमिट करी है? कितने लोगों ने अब तक रेजिडेंसी हासिल करी है और उनमें से इंडियंस कितने हैं? दोस्तों आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आप सब लोगों से जिनको अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ जो सेफ की तरफ से जो ऑटोमेटिक ईमेल आती है वो तो रिसीव नहीं हुई है, तो आप लोग अपना ईमेक्स जो ईमेल है रजिस्टर्ड जो सेफ के साथ है उसे बार बार आप चेक करें, और इनबॉक्स और जो स्पैम फोल्डर आपने दोनों ही खोलने हैं चेक करने के लिए कि उसमें कहीं गलती से चला ना जाए ईमेल। तो दोस्तों हमेशा अपनी ईमेल को ओपन करने के बाद 2-3 दफा रिफ्रेश करें और कोशिश करें कि आप अपनी जो ईमेल है वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करें बजाय इसके कि आप अपने फोन में ओपन करें ईमेल। दोस्तों तो दोस्तों मुझे कुछ लोगों ने ये सवाल किया था और मुझे याद है कि मेरी एक वीडियो में अपने किसी भाई ने ये कमेंट भी किया था कि 2020 में 3,65,000 3,65,000 फाइल्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं सपा के पोर्टल में। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि वो कौन से वीडियो के अंदर ईमेल में जो है ये कमेंट आया था, पर मुझे उसके बाद काफी लोगों ने ये सवाल किया कि भी आप सर हमें बताएं कि कितने लोग जो हैं 2020 में आए हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह का डर का माहौल पैदा कर सकता है कि अगर 3 लाख 3.5 लाख फाइलें हैं सिर्फ 2020 में, तो उस हिसाब से हमारा तो नंबर ही जाके आएगा मुझे लगता है 23-24 में जा करके। तो ये एक डर का माहौल लोगों के अंदर पैदा कर सकता था दोस्तों। तो मैंने उन भाई साहब को ये बात बोली थी कि आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कहाँ से है, सेफ ने किस पे कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बताया है और कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आई है दोस्तों। क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि आप लोगों ने सेफ को फॉलो करना है, सेफ जो कहेगी हम उसे मानेंगे। अगर आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या कोई इंसान आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है मेरे जैसा या कोई आपके सर्कल में, तो आपने उससे ये जरूर सवाल करना है कि तेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या, कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है, किस सोर्स से आई है, वो हमें पहले ये बताओ कि यहाँ वहां से आपने सुनी और हमें बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजें डर का माहौल पैदा करती हैं, मतलब कि इंसान फिर थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है कि भाई इस हिसाब से तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आप लोगों के सामने वो डेटा लेकर के आया हूं जो सेफ ने मीडिया में जारी किया है, जो आप मेरी वीडियो के अंदर लगातार आप देख सकते हैं इंग्लिश में वो है दोस्तों। तो दोस्तों डेटा क्या कहता है कि 15 अक्टूबर इस साल 15 अक्टूबर तक सेफ ने 93,487 लोगों को रेजिडेंस परमिट ग्रांट किया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2020 तक एंड तक सेफ ने 1,88,124 यानी 1,88,124 रेजिडेंस परमिट जो हैं वो इशू किए हैं दोस्तों सेफ ने, जिसमें से सबसे ज्यादा ब्राजीलियंस हैं और उसके बाद हम इंडियंस हैं दोस्तों। इंडियंस को कितनों को रेजिडेंसी मिली है 2020 तक? 6,484 6,484। तो दोस्तों अब इस साल 2021 में कितने लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लगाया था, उसका अमाउंट है 48,000 दोस्तों। 48,000 48,000 जो सेफ के पास एप्लीकेशंस आई हैं दोस्तों। और अब जो सबसे बड़ा सवाल जिसकी वजह से एक मिसकंसेप्शन बनाई जा रही थी कि 2020 के अंदर कितनी फाइलें लॉक हुई हैं,
तो इसका जवाब 3,65,000 नहीं है दोस्तों, 3,65,000 नहीं है। 2020 के अंदर सेफ ने 35,500 जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, राइट। तो दोस्तों ये आप वीडियो में भी आप इसकी कटिंग देख रहे होंगे कि सेफ ने अब तक क्या कितने लोगों को इशू किया है और कितने लोग जो है लाइन में लगे हैं। तो दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि भाई अब पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि सिर्फ जनवरी में सेफ ने, जनवरी 2020 के अंदर सेफ ने 7,300 लोगों को अपॉइंटमेंट इशू करी है, और जनवरी का अगर हम फिगर लगा ले, फरवरी और जनवरी का, मेरे ख्याल से अंदाजन 10,000 लोग जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो इंडिया ईमेल है फर्स्ट ऑटोमेटिक ईमेल अपॉइंटमेंट की वो रिसीव कर चुके होंगे दोस्तों। तो अगर हम 10,000 माइनस कर देते हैं तो इस पूरे साल में अंदाजन 25,500 यानी कि 25,500 के करीब जो है वो एप्लीकेंट्स अभी पेंडिंग में चल रहे हैं जिनको रेजिडेंसी इशू होनी है दोस्तों। और इसके अंदर भी दोस्तों वो लोग कैलकुलेट होंगे जिन लोगों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो चुकी है, यानी कि प्रोसेस क्लियर होने वाली ईमेल रिसीव हो चुकी है दोस्तों, उन्हीं को सेफ जो है फर्स्ट कॉन्टेक्ट करेगा। तो इस वजह से दोस्तों जितने भी हमारे भाई हैं जो अभी तक वेटिंग में हैं, जिनको फर्स्ट ईमेल रिसीव हो चुकी है, क्योंकि मार्च स्टार्ट मेरे ख्याल से हो चुका है या होने वाला है और वो बहुत तेजी से अब काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो का सिर्फ यही एक पर्पस था कि अगर किसी के अंदर ये डर का माहौल थोड़ा सा बन रहा है, जो स्ट्रेस में जा रहा था कि पता नहीं बहुत ही ज्यादा जो है एप्लीकेंट्स लाइन में लग गए और हमारा नंबर तो पता नहीं कब जाके आएगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से इस चीज की क्लैरिटी हो गई होगी कि इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ये सेफ ने मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये ऐलान कर दिया है कि अपना डेटा जो है जारी किया है। तो वो डेटा दोस्तों मैंने आपके पास आपके सामने रखा और इसमें हम कोई डाउट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इस वजह से मेरी आप लोगों से फिर से यही गुजारिश है कि आप लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन सुनते हैं या कोई आपको इंफॉर्मेशन बता रहा होता है, तो आप लोगों ने प्लीज सबसे पहले उस इंसान से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूछना है, सोर्स ऑफ की सोर्स कहां से है, कहां पर सेफ ने ये बात बोली। अगर वो इंसान आपको सोर्स नहीं बता पा रहा, सिर्फ यही कह रहा है कि भाई मुझे फलाने बंदे ने बताया, मुझे इसने बताया या मैंने आपको बता दिया, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, आप उसको अपने एंड पे ऊपर सबसे वेरीफाई करेंगे दोस्तों। इससे आप लोगों की स्ट्रेस भी कम रहेगी और टेंशन में भी रहेंगे और आपको सही जानकारी रहेगी, तो आप मिसगाइड नहीं हो पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई जानकारी गलत है, इसे करेक्ट करने की जरूरत है या कोई इनकम्प्लीट है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं दोस्तों। कोई सवाल आपका है आप जरूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सही जवाब देने की दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।